हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 8:30 और मैं आई हूँ अभी चाय वाय पी के, बाहर आई हूँ चाय पी के। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस, आज हमें दीदी के घर भी जाना है क्योंकि दीदी के घर हो रहा है सत्संग। तो उसकी आज शादी की सालगिरह है, तो उनके घर में गुरु ने रखा है, गुरु जी का सत्संग फर्स्ट टाइम रखा है। हम सब बोलते थे, कंचन भी बोलती, सब बोलते थे कि आप भी एक बार कराओ। तो दीदी फाइनली करवा रही है और क्या कहते हैं उसी को, और उसी की तैयारी हम भी कर रहे थे जाने की। और क्या कहते हैं नैन्सी भी आ रही है फर्स्ट टाइम दीदी के घर में, पूजा भी आ रही है, सब आ रहे हैं। तो गाइस, बस घर का काम करके और जाने की करती हूँ तैयारी, क्योंकि सत्संग जो है वो 1 से 3 है और उसके बाद लंगर प्रसाद है। तो हमें टाइम से 12 बजे के करीब, मैं सोच रही हूँ कि 12 बजे तो एटलीस्ट पहुँच ही जाएँ। पूजा के पापा 1 बजे आ जाएंगे, लेकिन मैं 1 घंटा पहले जाऊँगी क्योंकि सब 1 घंटा पहले पहुँच जाएंगे। और क्या कहते हैं गाइस, मम्मी भी आएगी तो दीपू भी आएगा, सब आएंगे। तो पूरी फैमिली के साथ करते हैं आज खूब सारी मस्ती। तो गाइस, जो सूट डालना है, मैंने ना चुन्नी सीधी नहीं थी तो मैंने कहा चलो सीधी धो के डाल देती हूँ, तो पानी से निकाल के प्रेस नहीं करती, सीधी हो जाएगी। तो सीधी क्या करना था गाइस, उसका चुन्नी का इतना रंग निकला, ये देखो कुर्सी भी नीचे पूरी नीली होगी। मैंने कहा धूप में नहीं डालती, धूप तेज थी, मैंने यहाँ डाल दी। तो देखो कैसी हालत हो गई है गाइस, एकदम से नीला नीला नीला। ये नीले रंग और फिरोजी रंग तो बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो अभी काम चल गया है, बस मैंने अच्छे से सुखा दिया। मैं कहा ये ना गर्दन भी सारी नीली हो जाए। तो गाइस, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, नहा के तैयार हो गई हूँ, मुझे जाना है दीदी के घर में। तो दीदी के घर में आ रहा है गुरु जी का सत्संग, तो बस पूजा के पापा नीचे आते हैं मुझे लेने, फिर वो आएंगे 1 बजे। मैं पहले 1 घंटा पहले जा रही हूँ, सत्संग जो है गाइस वो 1 से 3 है, तो मैं 1 घंटा पहले चली जाती हूँ। कंचन भी पहुँच रही है तो मैं पहुँच जाऊँगी, पूजा आएगी जब वो 12:30 तक। तो गाइस चलिए आपको गुरु जी के दर्शन कराती हूँ। तो गाइस, गुरु जी के दर्शन कीजिए, गुरु जी की डेकोरेशन भी हो गई है पूरी, तो कंचन ने पूरी कर दी है, तो कंचन ने ही आज संभाला है सारा डेकोरेशन का भार। और उधर भी कंचन सही कर दी तूने, अच्छी कर दी, हाँ बढ़िया कर दी, हाँ सही कर दी है। ये जिया जी की एनिवर्सरी के लिए, दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी है आज। थैंक यू, थैंक यू, हाँ लेके आए, हाँ लेकर आए। चलो अब इसी की फोटो, फोटो भी आ गया, नहीं नहीं हो गया वो, हाँ कोई नहीं हो गया। भी आई है बिल्कुल रेडी होकर, और ये सीमा साथ, सीमा भी आई हुई है, ये दोनों माँ बेटी आई है। राधिका आ रही, राधिका आ रही है, चलो राधिका भी रस्ते में है, ठीक है चल आ जाएगी राधिका। पूजा भी रस्ते में है, हाँ अभी 10 मिनट पहले निकली है, तो 15 मिनट का तो रास्ता है, 15-20 मिनट का आ जाएगी जब तक। और तू सुना, चलो तो ये है तुम टाइम से आ गए हो, और मैं तो 12 बजे ही आ गई थी। हाँ वो तो शुरुआत तुम्हारे आगे ही होगी, जब गुरु जी एंट्री करते हैं उसका वो बनता है पूरा, तो वो तुम्हारे सामने ही होगा। हाँ इसको ना कद्दूकस करते हैं, रुक जाओ इसमें, आपकी ड्यूटी लगी है चाय की? अरे कोई भी बना लो, कोई भी बना लो है ना, हाँ चलो ये तो अच्छा है आप कर रहे हो सेवा, ये तो एक तो अदरक इस पे कद्दूकस कर लो थोड़ा, अच्छा मुझे दे दो मैं कर देती हूँ, ऐसे ठीक है, चलो डाल दो जैसे भी आपको सही लगे बना दो। है ये चाय प्रसाद बन रहा है ना, हाँ चाय प्रसाद बना दो और मैं हलवा प्रसाद बनाती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये गुरु जी बस आ गए हैं, ये उन्हीं की वो बनती है, बजती है। गाइस ये बन रहा है हलवा प्रसाद, तो बस मैं इसको साथ साथ बना रही हूँ, और इधर बन रही है चाय, ये चाय बना रहे हैं, तो दोनों काम हम साथ साथ कर रहे हैं, और इधर थोड़ी चाय और गुरु जी की बन रही है, साथ साथ सारा काम गाइस। तो गाइस हलवा प्रसाद बन गया है और चाय अभी बन रही है, ये लगभग बनने वाला है, अब ऊपर ना घी भी आना शुरू हो गया गाइस। सीमा बना रही है ये चाय प्रसाद सबका, और मैंने हलवा प्रसाद बना दिया, और सबकी अपने अपनी लगी हुई है ड्यूटी जो जो कर रहे हैं। तो सीमा तू ये कर, ठीक है।
तो गाइस ये गुरु जी का बना प्रसाद की थाली, तो जो भी खाना बना है वो सब मैं गुरु जी के लिए भोग निकाल रही हैं। तो जैसे ये सब है थाली, तो रोटी और ये रसगुल्ले का प्रसाद और ये बिस्किट का जो जो ये है पनीर है ना। हाँ ये पनीर है। आपका सिर्फ आपकी बनी रहती है, ऐसे आप आते रहो अपने घर में और ऐसे सबको ब्लेस करते रहो, आज सबको ब्लेस करते रहो। हेलो, क्या खा रहे हो आप? बादाम खा रहे हो? किसने दिया? आपने दिया? हाँ खा लो। और क्या कर रहे हो? टॉफी, और टॉफी नहीं ली आपने? खाई है आपने और टॉफी? फाइव स्टार भी तो थी खाली। अच्छा कन्नु भाई ने दी थी। ये बातें करता है ना, जरूर बोलेगा। अच्छा पैसे चाहिए? हाँ देखो 500 500 रुपए लेते हो आप? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? और बढ़िया कर लेते हो। चलो बच्चे आजकल के देखो। हाँ फर्स्ट टाइम जब मैं अच्छा गोल्डी पैसे मांग रहे हैं? 500 का नोट चाहिए। वाह चलो बढ़िया है। बहुत प्यारा लगा। एक एक गुलाब का फूल सारे अपने सोने से अभी काट के सबको एक एक गुलाब। हाँ मैं कह रही हूँ गोलचीना के लिए 7 मीनार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेडीज अपने सिर पे एक एक गुलाब का फूल लगा। हो जाएगा भाई मैं 20 चल जाऊंगा। क्या बात है, जोर से तालियां। दोनों ही खुश हो गए हो? नहीं नहीं खुश। पूजा मेरे पास आई है वैसे 2-3 दिन की खुशी है, थोड़ा सा आजाद बोल चुकी है कि हाँ कहीं भी जाओ 2-3 दिन तो जा सकते हो। ये कौन सा पीछे पीछे गाइस बाकी डांस पेंडिंग में दिखाऊंगा क्योंकि बहुत है सारे हैं इसलिए अच्छा लगता है। हाँ ये आराम से सारे अपने ही है, अपने ही है थोड़ा मतलब करना चाहता नहीं कर पा रहा। तो गाइस रात के बजे हैं अभी 11 और पूजा अंदर बैठी हुई है, तो पूजा के साथ ही वो बातें कर रही थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंड भी करके आते हैं। और क्या कहते हैं सारा दिन गाइस बीत गया और हम तो काफ़ी लेट आए हैं दीदी के घर से क्योंकि पास ही था, सीमा वगैरह तो चले गए थे, कंचन चले गई थी, मेरा पास ही था तो मैं पूजा आराम से 8:30-9 बजे घर आए हैं क्योंकि देखो दीदी ने लंगर प्रसाद भी दे दिया था, हमने कुछ नहीं करना था, हमने सिर्फ उसके साथ चावल बनाते थोड़े से, तो कोई काम भी ऐसा नहीं था कि मैं सोचूं कि जल्दबाजी में आऊं या कुछ है, तो हम आराम से आए हैं घर में।
तो बस चावल हमने बनाए और वही सब हमने खाए हैं सब ने, क्योंकि दाल भी थी, पनीर की सब्जी भी थी, तो ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं हमें, तो बस वो खा के अभी सब बातें ही कर रहे थे। तो पूजा के पापा भी अब लेटने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूजा भी अंदर बैठी हुई है। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।